माय चैनल पूजास लाइफ। आज के व्लॉग में मैं कुकिंग का व्लॉग लेके आ रही हूँ। आज मैं जो सब्जी बना रही हूँ बहुत ही इजी है, आपके घर में जो सामान है इजीली आप बना सकते हैं। और मैं मशरूम की सब्जी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मशरूम विद कैप्सिकम। तो इसमें ना हम कोई चीज़ भिगो के रखना है हमें पहले से, ना पीसना है, ना हम क्रीम यूज़ करेंगे, ना हम दही यूज़ करेंगे। सिंपल आप जो लहसुन प्याज अदरक इन सब का मसाला यूज़ करते हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मशरूम और कैप्सिकम की सब्जी बनाना, वो भी बहुत ही इजी वे में और घर के सामानों से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 1 बाउल मशरूम, जो कि मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। 3 टमाटर को मैंने बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया है। ऑयल, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी, चॉप्ड कोरिएंडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी मिक्स कर ली है, सॉल्ट, धनिया पाउडर, और ये मैंने थोड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, थोड़ी सी दालचीनी, 2 क्लोव्स लौंग की और काली मिर्च। और ये इधर मैंने कट करके रखा है कैप्सिकम, 1/2 कट मैंने कर लिया है चिली को, और ये मैंने जिंजर के कुछ जूलियंस बना के रखे हुए हैं। इधर एक प्लेट में मसाले के लिए हमने जो सामग्री ली है वो है, मैंने 3 मीडियम साइज़ के ओनियंस लिया है जिसको कट कर लिया है, 5 to 6 क्लोव्स गार्लिक के, और 1 इंच पीस ऑफ जिंजर। इन तीनों को लेके हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम एक तरफ पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। तो ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हमने जो मशरूम कट किए थे उसको डाल देंगे। एक्चुअली हम मशरूम को पहले अलग से सॉटे करेंगे जिससे इसका जितना भी पानी है वो इसी में ये एब्जॉर्ब हो जाए, जब मशरूम को ग्रेवी में मिक्स करें तो उसमें ये पानी ना छोड़े। तो इसलिए एक साइड पैन में हम मशरूम को डाल के छोड़ देंगे और थोड़ा सा इस पर ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसको हम ऐसे डाल के छोड़ के और इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैन की तरफ। तो हमने इधर इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, हल्का सा ये गरम हो गया, तो इसमें हमने जो भी ये खड़े मसाले लिए थे उनको डाल देंगे और हल्का सा सॉटे होने देंगे। देखिए हमारा मसाला हो गया है, अब इसमें हमने जो ये प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे इस पेस्ट को, ताकि इसमें से प्याज का कच्चापन जो भी होता है वो निकल जाए। तो इसको भूनने में हमें 1-2 मिनट से 3 मिनट लगेगा। तो इसको अच्छे से भूनते हैं पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए ये मशरूम हमने जो डाला था इसमें इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमको इसको ऐसे ही पकाना है ताकि इसका पानी जो है इसमें ही सूख जाए। इसको वापस रख देंगे और चलिए अपने चलते हैं इधर प्याज के पेस्ट की तरफ। पेस्ट हमारा भून गया है प्याज का अच्छे से, अब इसमें हम ऐड करेंगे, हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। ये हमने 3 मीडियम साइज के टोमेटो थे जिनको हमने बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया था। तो अब इसको थोड़ी देर भूनते हैं, उसके बाद इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने मसाले ऐड करेंगे। चलिए तो देखते हैं अपने मशरूम को कैसा हुआ है। देखिए पानी इसमें सूखना कम हो गया है सूख के। इस स्टेज पे इसमें हमने जो अपना ये कैप्सिकम कट किया था स्क्वायर शेप में, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि कैप्सिकम हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं जिससे कैप्सिकम हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी हमको इसको बहुत पकाना नहीं है, इसलिए हमने कैप्सिकम अभी ऐड किया है कि हल्का सा वो सॉफ्ट हो खाली।
तो अभी हम इसका थोड़ा और इसको ढक के पकाते हैं जिससे पानी सूख जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम इस स्टेज पे इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालते हैं इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, इसमें हमने कश्मीरी मिर्च भी ऐड किया हुआ है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे सॉल्ट इसमें। तो देखिए हमने मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे इन मसालों को, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक साइड से हमारा ऑयल ना छूटने लगे और मसाले अच्छे से पक ना जाएं। जब मसाले पकेंगे तो आपको खुद भी मसालों की स्मेल अच्छी सी आने लगेगी। तो चलिए भूनते हैं मसालों को 3 से 4 मिनट और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं अपने मशरूम को। परफेक्ट, देखिए हमारा इसमें पानी एकदम सूख गया है और मशरूम भी अच्छे से फ्राई हो गया और कैप्सिकम भी हमारी देखिए हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। बस हमको इसको इतना ही भूनना है और इसको हम बंद कर देंगे और एक बाउल में इसको ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अब अपने मसाले को। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है मसाले का। अब हमने इसमें जो अपना ये मशरूम भुना हुआ था इसको ऐड करेंगे मसाले के साथ। इसको अच्छे से मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कुछ भी काजू, बादाम या खसखस कोई भी सीड पीस के नहीं डाला है, ना इसमें हम दूध का यूज़ कर रहे हैं, ना क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। आज हम सिंपल वे में मशरूम और कैप्सिकम की सब्जी बना रहे हैं जो हम लोग डेली यूज में खा सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे होटल स्टाइल में मशरूम की सब्जी भी शेयर करूंगी जिसमें हम सब कुछ डालेंगे, थोड़ी रिच बनाएंगे। ये हम वैसी सब्जी यूज़ कर रहे हैं जैसे हम डेली यूज़ में अपने घर में पराठे चावल के साथ खा सकते हैं। तो अभी हमें 2 से 3 मिनट इसको ऐसे भूनना है, थोड़ा मशरूम में मसाला मिक्स हो जाए और इसको ढक देते हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसको भून चुके हैं। अब हम इस पे ऐड करते हैं अपना गरम मसाला। ये मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, ये घर का गरम मसाला है। जल्दी मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी कि घर में गरम मसाला कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा सॉल्ट इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने उस समय सॉल्ट इसमें कम ऐड किया था। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर लीजिए और इनको मिक्स करिए। आप चाहें तो इस सब्जी को ऐसे भी खा सकते हैं मसालेदार। मैं इसमें हल्का सा ग्रेवी लगाऊंगी, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ये हमने 3/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। बस 1-2 बॉयल इसमें आने देंगे जिससे पानी थोड़ा सा पक जाए और मसाले उसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा और ऐड करते हैं मुझे लग रहा है। तो 1 कप मैंने ये पानी इसका ऐड किया है, आई थिंक इट्स सफिशियंट। और इसको अब हम 2-3 बॉयल आने देते हैं बस ढक के, उसके बाद हमारी सब्जी ये रेडी है। देखते हैं अपनी सब्जी को, देखिए परफेक्ट हमारी सब्जी अच्छे से भून गई है, पानी मिक्स हो गया है। इससे ज़्यादा हमको ग्रेवी नहीं लगानी थी। अगर आपको लगाना हो थोड़ा ग्रेवी तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, हाथों से ऐसे क्रश कर लीजिए और उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए, इससे इसमें टेस्ट और बढ़ जाएगा सब्जी का। चलिए अब हम गैस को बंद करते हैं और शुरू करते हैं अपने सब्जी की प्लेटिंग। तो लीजिए हमारी मशरूम और कैप्सिकम की सब्जी रेडी है खाने के लिए।
इसको मैंने सर्व किया है पराठे के साथ। आप भी ऐसे कुरकुरा पराठा बनाइए, सैलड कीजिए और इस मशरूम की सब्जी को इंजॉय करिए। मुझसे किसी ने बोला था कि मैं अपनी हर सब्जी में धनिया डालती हूँ, धनिया पत्ती, तो शायद उनको धनिया पत्ती से कुछ एलर्जी है या वो नहीं खाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उनके लिए भी रेसिपी ले के आऊँगी जिसमें मैं धनिया का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। बाय बाय।